हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जा रहे हैं न्यू टॉपिक शुरू करने, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे, है ना, और एरर के बारे में पढ़ा, स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन, है ना। मोशन क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े भी होंगे कि मोशन क्या है, और कोई ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे, रेस्ट में कब बोलेंगे, उसके बारे में आज देखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, आई मीन मोशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसका क्राइटेरिया क्या है, बेसिस क्या है, है ना, ठीक है कि नहीं, इस बेसिस पे मोशन को इस टाइप में, तो क्राइटेरिया क्या है, ऑन व्हिच क्राइटेरिया, ऑन क्राइटेरिया मोशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो सभी को हम देखेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले जब मोशन चैप्टर हम पढ़ते हैं, बाद में हम मोशन डिफाइन करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे यहाँ की पार्टिकल के बारे में। आप जनरली जब मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ते हैं पार्टिकल, है ना। तो पहला जो पॉइंट होता है वो पार्टिकल के बारे में, क्योंकि आप जनरली देखोगे कि इवन कार भी मूव कर रहा है उसको भी हम पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे, ट्रक मूव कर रहा है उसको भी हम पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे, है ना। तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं हो, है ना। सिंपल क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा कि जिसका कोई नाइदर लेंथ हो, न ब्रेथ हो, और क्या हो, न डेप्थ हो या न थिकनेस हो, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, तो हम ऐसा ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या इफ, है ना, इफ द क्या होगा, इफ द साइज शेप एंड साइज, इफ द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is very small या is negligible, सबसे हम लिख सकते हैं is very small as compared to distance moved by the object by the object then object is called particle। ये बात समझ में आई कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल कब बोलेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन दो इस मोशन चैप्टर में यदि ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, पार्टिकल ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट कोई है उसको हम पार्टिकल कब बोलेंगे, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसका लीनियर साइज है, आई मीन डायमेंशन है, उससे यदि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, हम बोले हैं कि पार्टिकल है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इफ द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल में ये आपको यही डेफिनेशन है, तो क्या होना चाहिए कि पार्टिकल क्या होना चाहिए। अब जैसे देखो, है ना, कि ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, है ना, ये ब्लॉक का कुछ साइज होगा, है ना, और ये इसके बीच ए टी इक्वल टू जीरो पे यहां है, ठीक है, और किसी टाइम टी कहां आ गया, यहां आ गया, ये ग्राउंड पे मूव कर रहा है ना, यहां आ गया एट एनी टाइम टी, ठीक है, एट टाइम क्या हुआ, टाइम टी। अब ये देखोगे जनरली ये डिस्टेंस कितना मूव किया, ऐसे मूव कर रहा होगा यार, ऐसे कुछ वेलोसिटी होगा, आपने तो मूव नहीं कर सकता है ना। तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को या ब्लॉक को, इस ब्लॉक को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, पार्टिकल। देखना साइज सेम ड्रॉ कर लेना, साइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए, साइज सेम ही होना चाहिए, नहीं तो बोलोगे सर इसका तो साइज भी चेंज हो रहा है,
है ना, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये क्या होगा, यहाँ t इक्वल टू जीरो पे यहाँ है और t इक्वल टू क्या है एट एनी टाइम t यहाँ आ गया। तो यदि इसका लीनियर साइज जो होना चाहिए, आई मीन डायमेंशन जो होना चाहिए, इस डिस्टेंस से कम हो, क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको ब्लॉक को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, पार्टिकल कंसीडर। और जब पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस ब्लॉक बाय ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे हम, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहां देखोगे कि t इक्वल टू जीरो पे यहां ये क्या होगा, पॉइंट, जस्ट पॉइंट, है ना, आई मीन ये t इक्वल टू जीरो की बात है और एट एनी टाइम क्या है, एट एनी टाइम t पार्टिकल कहां, यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये पार्टिकल हो गया। ये आपको समझना है कि दिस इज पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है। तो t इक्वल टू जीरो पे यहां t इक्वल टू और ये साइज डिस्टेंस कितना मूव किया, d मूव किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज ऑब्जेक्ट और ये भी क्या होगा, ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या होगा, पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए दो तीन पॉइंट याद रखना है, इसका क्या होगा, लीनियर डायमेंशन जो होता है नियरली क्या होता है, जीरो होता है, पहले तो लिख लेंगे लीनियर डायमेंशन, है ना, लीनियर डायमेंशन, डायमेंशन इज क्या होगा, निग्लिजिबल, दैट इज इट हैज नो शेप एंड साइज, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, है ना, कि क्या होगा, इफ द शेप एंड साइज, ये समझ में आया कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो उसका शेप एंड साइज क्या होगा, वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है उससे यदि बहुत ही कम हो या निग्लिजिबल हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट की तरह कब ट्रीट करेंगे, ये आपको समझ में आएगा, है ना। अब हम आते हैं यहां दो तीन चीज और हम देखेंगे, रेफरेंस पॉइंट। देखो जब भी मोशन होता है तो उसमें दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑब्जर्वर कौन है यार, है ना, कौन मोशन को देख रहा है ना, ठीक है। जैसे मान लो कि रोड पे कार चल रही है तो हम कार को देख रहे हैं, तो वी आर ऑब्जर्वर, है ना, ठीक है। आई मीन द ऑब्जेक्ट वी द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच आर लुकिंग एट द क्या होगा मोशन ऑफ मोशन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या होगा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है जो मोशन को आई मीन कुछ भी इन द सेंस क्या होगा, ये नहीं है कि अब मैं बोलूं कि वॉल को भी हम ऑब्जर्वर मानना, नहीं यार हम लोग हो सकते हैं, है ना, जो मोशन को हम ही देख सकते हैं यार, ह्यूमन बीइंग हो सकता है ना। तो ये मत समझना आप लोग कि नहीं वॉल भी हो सकता है यार, ट्री भी, है ना, ट्री को आप ऑब्जर्वर बोलोगे तो कोई बोलेगा इसको कुछ नहीं आता है ना। तो ऐसे नहीं सोचना कि ट्री भी है, वी विल बी ऑब्जर्वर, है ना, आई मीन ह्यूमन बीइंग कैन बी ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर क्या होता है कि जो मोशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, समझ में आया बात। तो क्या होगा यहां हम देखेंगे, सबसे पहले क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस यहां पहले हम ऑब्जर्वर की बात कर लेते हैं ना, मैं लिख देता हूं इसको ऑब्जर्वर, ठीक है, दोज हु, इसको सब एक्सप्लेन करूंगा अभी, केवल दोज हु, दोज ऑब्जर्व, सिंपल दोज ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑब्जर्वर। अभी ये सब आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब ऑब्जर्वर के बाद एक पॉइंट आता है, तब हम मोशन समझेंगे अच्छे से, है ना, नहीं तो अभी लिख दे कि मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज करता है तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वन बाय वन, पहले मैंने क्या बताया, पार्टिकल
ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही है ना, सेकंड में मैंने क्या बताया, ऑब्जर्वर क्या होता है, दोज दोज हु ऑब्जर्व है ना, ऐसे यहां लिख लेना, दोज हु ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, ऑब्जर्वर में भी वन और मोर देन क्या होगा, वन। तो यहां ये भी लिख लेना, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर में बी क्या होगा, वन, और क्या होगा, मोर देन वन, मोर देन वन। अभी ये बात मान लीजिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्या होगा रेफरेंस पॉइंट, क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है ना, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इसको हम क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसी के रिस्पेक्ट में हम मोशन देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इट इज क्या होगा, इट इज, एंड ऐसे बोल सकते हैं द लोकेशन, द क्या होगा, द पोजीशन, ऐसे ही बोल सकते हैं द लोकेशन, और क्या होगा पोजीशन, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट, द लोकेशन और पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्या है, यही क्या है, दिस ये ऑब्जर्वर है ना, अब हंसना नहीं तुम लोग, है ना, यही क्या है ऑब्जर्वर है, तुम लोग अपने आप को भी कंसीडर कर सकते हो, है ना। इसको मैं यदि ऑब्जर्वर लिखूं, है ना, तो इसका जो पोजीशन होगा, ये लोकेशन कहां है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। तो जनरली क्या होता है कि लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर को ही हम क्या मानते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बाद में हम आएंगे देखेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ये ऑब्जर्वर है तो इसका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट जहां ये खड़ा होगा या जहां ये होगा, जिस लोकेशन पे होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, मूव भी कर सकता है और क्या हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। बोलो कैसे, जैसे मान लो कि मैं कार में जा रहा हूं यार, है ना, और कार में मैं बैठा हुआ हूं, है ना। तो देखो यहां क्या है, रेस्ट में है ना, और ये आप देखो एक कार है, आप देखो मैं कार बनाऊंगा तुम लोग हंसने लगोगे, है ना, ये कार हुआ है ना, ऐसे मान लो कि ये कार है, सिंपल है ना, और ये कार इधर मूव कर रहा है, और यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट हम बोले कि रेफरेंस पॉइंट, देखो तो ये ऑब्जर्वर यदि हम ग्राउंड से देखेंगे तो क्या होगा, मूव करेगा, यदि कार जैसे जिससे मूव करेगा वैसे ही क्या होगा, ये भी मूव। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, मूव भी कर सकता है और क्या हो सकता है, रेस्ट में भी। यहां रेफरेंस पॉइंट यही क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, मूव भी कर सकता है और क्या हो सकता है, रेस्ट। अब आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, फिर हम मोशन डिफाइन करेंगे अच्छे से, फिर तुमको समझ में आएगा, मोशन कभी भूलोगे नहीं, है ना, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया क्या, रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कि जिस लोकेशन पे ऑब्जर्वर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होगा फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इट इज द प्लेस, नॉट लोकेशन, प्लेस,
प्लेस का मतलब क्या होगा कि ये रूम भी हो सकता है, और रूम में जिस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये कार है, तो इसमें जिस प्लेस पे ऑब्जर्वर है या जिस प्लेस के अंदर ऑब्जर्वर है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे है उस प्लेस पे, जैसे मैं बोलूं कि खेड़ में क्या है, ऑब्जर्वर है, खेड़ में कहीं है, या रोटरी स्कूल में, तो रोटरी स्कूल क्या हुआ, प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर हो गया। और मान लो कि जैसे मैं इस रूम में लेक्चर ले रहा हूं, तो मैं यदि ऑब्जर्वर हूं तो रोटरी स्कूल में मैं कहां हूं, इस पार्टिकुलर रूम में हूं। तो ये पार्टिकुलर रूम जो होगा, पार्टिकुलर जो रूम होगा इसको भी हम नहीं बोल सकते, पार्टिकुलर रूम के अंदर जिस पॉइंट पे मैं हूं, ये आप रूम को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये रूम क्या हुआ, ऑब्जर्वर का लोकेशन हो गया, और प्लेस क्या हुआ, रोटरी स्कूल हो गया। ये बात समझ में आई ना। तो प्लेस और पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर, है ना, क्या होगा, इट इज द क्या होगा, द प्लेस फ्रॉम विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स या फ्रॉम विच ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग द मोशन। ठीक है, जैसे तो ये क्या हो सकता है, जैसे देखो यहां है ना, अगेन मैं एक कार ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, सेमी एग्जांपल है ना। तो ये कार क्या है, इधर मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से है ना, इसे यहां क्या है, ऑब्जर्वर है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो ऑब्जर्वर का जो प्लेस होगा, हम बोल सकते हैं कि ये कार है, तो कार को हम क्या बोल सकते हैं, कार क्या होगा, फ्रेम ऑफ क्या होगा, रेफरेंस होगा। क्या होगा, कार क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस प्लेस से क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कार है, कार मूव कर रहा है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है इसके अंदर। तो ये ऑब्जर्वर जो है वो कार के ऑब्जेक्ट को क्या है, इसके इसको देख रहा है ना, उसको देख रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन, यहां से हम समझेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि इट इज द प्लेस फ्रॉम विच ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द मोशन, या ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। बेस्ट क्या है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, तो यहां ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो यहां हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या किसको बोलेंगे, दिस इज हियर, हियर क्या होगा, हियर कार इज फ्रेम ऑफ क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कार क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ये बात समझ में आई, कार इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, याद रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एनीथिंग है ना, मे बी मूविंग ट्रेन या कंपार्टमेंट ऑफ द डब्बा, है ना, कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, डब्बा नहीं सॉरी, कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, ये मे बी क्या हो सकता है, ये रूम हो सकता है ना, मे बी मून हो सकता है, मे बी क्या हो सकता है, अर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि अर्थ के सरफेस से जा करके किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो तो हम क्या बोलेंगे कि अर्थ जो है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ में आना, सिंपल याद रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज द प्लेस, ऐसा प्लेस जहां से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, देखता है ना। ऑब्जर्वर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी एक एक एक्टिविटी को क्या करता है, वो देखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, मे बी क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट, और मे बी क्या होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान देना है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो यहां से कि ये क्या है, देखो ऑब्जेक्ट,
और यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है। तो ये क्या होगा, ऑब्जर्वर, या यहां ये ऑब्जर्वर है, तो यहां ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी है। तो आप बोलोगे, है ना, कि सर ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कार में रख देते हैं यार, है ना। देखो ध्यान से, यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये कार क्या है, रेस्ट में है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये ऑब्जर्वर जो है, इसको ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। अब बोलोगे सर कार के अंदर से कैसे दिखेगा, तो आपको ही मालूम है ना, कैसे देख सकते हैं, तुम लोग कार से ट्रेवल भी करते हो तो तुमको मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं। तो देखो यहां क्या होगा, यहां ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी भी है, और यहां क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर क्या हो सकता है, सॉरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या यूं ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और क्या होगा, मूव भी कर सकता है, और क्या हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है। ये ध्यान देना है। तो यहां से दो पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी क्या होगा, एनीथिंग, एनी प्लेस, है ना, कुछ भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, रूम भी हो सकता है ना, ठीक है, कार भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना है। तो यहां से मैं बता देता हूं कि क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ क्या होगा, रेफरेंस दो तरह के होंगे, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये क्या है, स्टेशनरी, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मूविंग में भी दो पार्ट्स होते हैं, मूव करेगा तो दो तरह से कर सकता है, फ्रेम ऑफ, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो मूविंग विथ क्या होगा, मूविंग विथ क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ, इसको आगे हम पढ़ेंगे, अभी यहां कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आगे पढ़ोगे एनएलएम, जब आप पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा, केवल अभी यहां आपने को ये लेकिन बता देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, आई मीन मूविंग विथ क्या होगा, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये आगे पढ़ोगे आप, इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है एनएलएम चैप्टर में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब हम मोशन डिफाइन करेंगे कि मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहां क्या होगा, मूविंग जो है, मैंने क्या बताया, पार्टिकल, फिर से मैं पार्टिकल बताया, है ना, उसके बाद क्या बताया कि ऑब्जर्वर क्या होता है, फिर मैंने बताया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों सेम चीज है, ये क्या होता है इसके बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, जिस जगह से, है ना, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, स्टेज, कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है ना, इवन क्या होगा, रूफ ऑफ द क्या होगा, आई मीन रूफ ऑफ द बिल्डिंग भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, जहां से आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को के मोशन को क्या करो, ऑब्जर्व करो, या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम जो है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कि एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक क्या होगा, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम।
ये दोनों सेम चीज होता है, बाद में तुमको मालूम चलेगा। मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम आते हैं मोशन एंड रेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है? इतने समझने के बाद तुम अच्छे से समझ सकते हो कि रेस्ट एंड मोशन, ठीक है? तो अब यहां हम लिखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहां क्या रेस्ट एंड मोशन दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, है ना? रेस्ट, या पहले हम रेस्ट पढ़ते हैं, है ना, कि रेस्ट का मतलब, रेस्ट एंड मोशन ये एक साथ ही पढ़ लेते हैं। चलो एक साथ ही लिखते हैं, रेस्ट एंड क्या होगा मोशन, दोनों क्या है, ठीक है? अब देखो सिंपल एग्जांपल से हम देखेंगे, फिर डिफाइन करेंगे। एक देखो, ये ग्राउंड है ना, और यहां एक कोई हमने क्या किया है, एक कार है, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसको जब देखोगे तो, ठीक है? दो ऑब्जर्वर है यहां, देखो एक ऑब्जेक्ट जो है इस कार के अंदर ये रखा गया है, ये ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। और यहां एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसको हम टू लिख रहे हैं, O2 का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर टू, ठीक है? O2 ऑक्सीजन मत समझ लेना तुम लोग, है ना, O2 मैंने लिखा, O स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर एंड 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑब्जर्वर। और यहां एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये क्या हुआ, O1 ऑब्जर्वर फर्स्ट। और दिस इज क्या है, ये कहां खड़ा है, ग्राउंड पे, तो इसको ग्राउंड ऑब्जर्वर भी हम बोलेंगे, है ना? ये दिस इज नथिंग बट द क्या है, ग्राउंड। और ये जो ऑब्जेक्ट, आई मीन ये क्या है, कार है, है ना, इसको हम क्या मान लिए, कार। और ये कार इधर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, क्या होगा, कार जो है वो अभी, या ऐसे सोचो इसको हमने क्या किया, रेस्ट में रख दिया। यहां कार जो है क्या है, कार जो है, आई मीन यहां इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है? एक फिगर ए हो गया। अब देखो यहां यदि मैं इस ऑब्जर्वर की बात करूं, चलो हम ऑब्जेक्ट, आई मीन इस ऑब्जेक्ट की बात करें, या ब्लॉक लिख देता हूं इसको, है ना, तो फॉर ऑब्जर्वर क्या लिखेंगे, फॉर ऑब्जर्वर O2, देखो तो ये O2 इसको क्या देखेगा, ये रेस्ट में है या मूव कर रहा है, बताओ तुम लोग, क्या है, रेस्ट में है या मूव कर रहा है, ये रुका हुआ है, क्योंकि ये कार भी क्या है, रुका है। तो ये क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर O2 क्या होगा, ब्लॉक इज एट क्या होगा, रेस्ट, ठीक है? अगेन क्या होगा, ऑब्जर्वर, देखो ध्यान से, फॉर ऑब्जर्वर O1 अगेन क्या होगा, ब्लॉक जो होगा, ब्लॉक और क्या होगा, ये ऑब्जर्वर 2, दोनों क्या होंगे, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे। तो ये क्या होगा, ब्लॉक इज एट क्या होगा, रेस्ट, ठीक है? तो ये कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से, अगेन एक ऑब्जर्वर ये क्या है, O1 है ना, और यहां एक और एग्जांपल हम लेंगे, है ना, आप ध्यान देना है, यहां एक ऑब्जर्वर है, सेमी एग्जांपल मैं लेता हूं, है ना, और ये क्या है, O2 ऑब्जर्वर है, और यहां एक ब्लॉक रखा गया है, और अब एक कार इधर भी वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगा, दिस इज कार, यहां क्या है, कार is moving with velocity, car is moving
टुवर्ड्स राइट, सिंपल कार इज मूविंग टुवर्ड्स, क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और एक क्या है, ब्लॉक है, अगेन। अब आप मुझे बताओ कि फॉर ऑब्जर्वर वन, तुम सोच के बताना, फॉर क्या होगा, फॉर ओ वन क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर, फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ओ वन है ना, यहां भी लिख लेना, ऑब्जर्वर लिख लेना तुम लोग, है ना, ऑब्जर्वर ओ वन और ये ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर देखो तो ये ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा या कि मूव कर रहा होगा, बताओ, सोच करके बताओ। जैसे ये वही एग्जांपल हुआ कि मान लो कि तुम लोग कार में कहीं जा रहे हो, है ना, या तुम कार में जा रहे हो, है ना, और आई एम द ऑब्जर्वर हु इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और कार में आप दो लोग जा रहे हो, एक ड्राइवर है और एक आप हो, तो मैं आपको बोलूं कि ड्राइवर को आप देखो और बताओ कि ड्राइवर मोशन में है या रेस्ट में है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। और यदि आप मुझसे पूछोगे सर आप बताओ कि ड्राइवर मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो मैं भी कुछ बताऊंगा, मेरे रिस्पेक्ट में ड्राइवर जो है वो मूव कर रहा है जैसे कार मूव कर रही है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप कार के अंदर हो, तो आपके रिस्पेक्ट में जो ड्राइवर होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो उसी तरह यदि इस ऑब्जर्वर की बात करोगे ओवन, तो ओवन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, ये देखेगा कि जैसे कार मूव कर रहा है वैसे ही क्या है, ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो उसको ये मालूम चल गया फॉर ऑब्जर्वर ओवन क्या होगा, ब्लॉक, ब्लॉक इज मूविंग विथ क्या होगा, विथ कार, ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद अब क्या है कि फॉर ऑब्जर्वर ओ टू और क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर ओ टू, देखो तो ये क्या देखेगा, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है रेस्ट में, आप बता सकते हो ये ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में मालूम पड़ेगा उसको, है ना। फॉर ऑब्जर्वर ओ टू ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक इज एट क्या होगा, एट रेस्ट, ये बात समझ में आई। तो देखिए सेमी ऑब्जेक्ट को यदि हम दो जगह से डिफरेंट जगह से देख रहे हैं तो हमको क्या मालूम चल रहा है, एक जगह से वो क्या है, रेस्ट में है, और दूसरे जगह से क्या है, मोशन में है। एक ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या है, वो मोशन में है। इसका मतलब क्या है कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। रेस्ट एंड मोशन जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। तो जब किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यदि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। जैसे इस ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक का पोजीशन O2 के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन आप देखोगे कि इसके रिस्पेक्ट में अभी किसी टाइम ऑब्जेक्ट कार यहां है, किसी टाइम यहां रहेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, चेंज हो रहा है। तो मोशन, रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और ये डिपेंड किस पे करता है, प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, या रेफरेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या है, डिपेंड करता है, उस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। सेमी ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट एक जगह से क्या हो सकता है, रेस्ट हो सकता है, और दूसरे जगह से देखोगे तो क्या होगा, वो मूव करेगा। सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे आप अभी, आपको क्या मालूम चल रहा है कि हम लोग रेस्ट में हैं, जैसे मान लो कि आप अभी बैठ करके लेक्चर देख रहे हो तो आपको लगे कि नहीं आप रेस्ट में हो, लेकिन यदि मैं आपके मोशन को मून से जा करके देखो तो आप क्या मालूम पड़ोगे कि रेस्ट में हो, नहीं आप भी क्या करोगे, मूव कर रहे होंगे, आप रेस्ट में नहीं हो, मूव कर रहे हो। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, एंड इट डिपेंड ऑन द क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर। फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। ये बात समझ में अभी क्लियर हो गया कि जो क्या होता है मोशन एंड रेस्ट जो है वो क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर के प्लेस पे डिपेंड करेगा। ये ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड फ्रेम पे है, और ये ऑब्जर्वर क्या है, कार में है। कार क्या हुआ इस ऑब्जर्वर के लिए, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस हुआ जो अभी मैंने आपको बताया था। तो ठीक है, यहां से ये ध्यान देना है, ये बात आपको समझ में आया। दूसरा ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो, देखो तुम ही सोचना। इधर एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा कि रेस्ट एंड मोशन क्या है। देखो यहां एक और एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, देखो क्या है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर मान लो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां आप ऑब्जर्वर, यू आर ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ब्लॉक, ये ग्राउंड हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ब्लॉक क्या है, या ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर क्या है, मूव कर रहा है या मोशन में है, तो आप मुझे बताओगे। या मैं लिखता हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ, इसको ब्लॉक लिख लो, ब्लॉक क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ब्लॉक, या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ब्लॉक क्या चीज में है, ब्लॉक, देखो तो ब्लॉक क्या चीज में है, रेस्ट में है या मोशन में, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये बात समझ में है, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के ओवन के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। उसी तरह सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ब्लॉक। तो हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज एट क्या होगा, रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो यहां से ये बात अपने को समझ में आया कि मोशन क्या है यार, मोशन जो है वो क्या है, रेस्ट क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सिंपल यहां से हम लिखेंगे तो यहां से आप देख सकते हो कि मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल हम यहां लिखेंगे रेस्ट एंड मोशन आर क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अगला क्या है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रेस्ट एंड क्या होगा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला पॉइंट ये, जब भी तुमसे कोई पूछे कि ये क्या है, रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन द, क्या चीज पे डिपेंड करता है, रेस्ट एंड क्या होगा, एंड मोशन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ऐसे भी लिख सकते, और प्लेस ऑफ क्या होगा, प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और मे बी इन मोशन डिपेंडिंग ऑन, तो यहां ये भी लिख सकते हो कि सेम ऑब्जेक्ट मे बी क्या होगा, बी एट रेस्ट और क्या होगा, मोशन, मे बी एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ ऑब्जर्वर, ये बात समझ में आया ना, अभी इसके पहले मैंने बताया था, है ना। अब हम यहां से ये दो तीन चीजें अब क्या लिखेंगे, यहां से मोशन का हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग with respect to time, with respect to observer, then we can see that the object or particle are in motion
विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। समझ में आई बात है? फिर से सुनो ध्यान से। जब किसी भी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल का पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होगा या होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, मोशन में है। यदि चेंज नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां से आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, है ना, कि क्या क्या होगा, है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहां से मोशन, है ना। तो यहां से मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि इफ, क्या लिखेंगे, इफ इफ द, क्या होगा, द पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज चेंजिंग, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विथ टाइम, विथ टाइम, देन देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, सेड टू बी इन मोशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ये समझ में आया तुम लोगों को ना, कि इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विथ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, अदरवाइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। समझ में आया ना? तो जब भी ऐसे मत बोलना कि इफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, नहीं, ये गलत चीज है, है ना, ये कंप्लीटली गलत है, ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट मोशन, रिलेटिव मोशन होना चाहिए कि जो आप देख रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या। यदि आपके रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो उसका टाइम के साथ पोजिशन चेंज होना चाहिए, है ना, तभी क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है, अदरवाइज क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। तो ये आप बात आपको, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विथ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यहां लिख सकते हो, ठीक है। अब मोशन क्या है, कई टाइप्स से डिवाइड किया गया है ना, कि मोशन क्या हो सकता है, वन डायमेंशनल हो सकता है ना। तो मोशन क्या होगा, यहां से देखो, टाइप ऑफ मोशन, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है ना, या ठीक है, आई मीन वन डायमेंशन, आई मीन प्लेन में मूव कर रहा है, या स्पेस में मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे क्या है, मोशन को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। तो मोशन क्या होगा, मोशन जो होगा क्या होगा, पहला जो क्या होगा, टाइप ऑफ मोशन, तो यहां क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ ऑफ मोशन, ठीक है। ये बेसिकली जितने भी मोशन है उनको इतने इसी पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, क्या क्या है, डिवाइड कर दिया गया है, 1D मोशन, 2D मोशन, एंड क्या हो जाएगा, 3D मोशन, है ना। आई मीन क्या होगा, वन टाइप, तो टाइप ऑफ मोशन क्या होगा, तो यहाँ बेसिकली क्या है, जितने भी मोशन है वो सबको, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन हम यही पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, टाइप ऑफ मोशन क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1D, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2D, टू डायमेंशनल, है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, 2D, और यहां हम पढ़ेंगे क्या, 3D,
इसको 3D। आई मीन क्या है, इसमें यदि मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो क्या एक कोऑर्डिनेट की जरूरी होगी, इसमें क्या होगा 2 दो कोऑर्डिनेट, और इसमें क्या होगा 3D। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, सिंपल लिख देंगे। इसमें क्या होगा व्हेन, व्हेन क्या होगा व्हेन, एन क्या होगा ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अलोंग, ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन, देन मोशन इज कॉल्ड क्या होगा, मोशन इज कॉल्ड 1D, 1D मोशन इज कॉल्ड 1D, और इसी को हम क्या बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, और इसी को क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल और रेक्टिलिनियर दोनों में डिफरेंस होता है। ये ट्रांसलेशनल जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और रेक्टिलिनियर जो है वो पार्टिकल के लिए यूज किया जाता है। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, और मोशन इन 1D। जब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जब क्या होगा मूव करेगा, है ना, तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव करे, जैसे स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करता है, तो उसके मोशन को, उसमें दोनों मोशन होते हैं, है ना, क्या होगा। लेकिन जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक मूव कर रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। और कोई पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, आई मीन क्या बोलेंगे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। तो ये बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो ब्लॉक के लिए डिफाइन किया गया है, मैं बता देता हूँ आपको। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन द मोशन इज कॉल्ड 1D और रेक्टिलिनियर मोशन, और क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हो कि मोशन ऑफ क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट अलोंग क्या होगा, जब आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अप फेंकते हैं, है ना, तो क्या होगा, अप जाएगा और फिर क्या होगा, जहां से आपने फेंका है वही आकर के क्या है, गिरता है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे उसको, 1D मोशन बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। एक ही साथ में उसके बाद पीरियोडिक मोशन भी होता है, नॉन पीरियोडिक मोशन भी होता है, लेकिन ये जनरली पूछा नहीं जाता क्योंकि ये सब आपको वन बाई वन पढ़ना है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन मोशन इज कॉल्ड 1D और रेक्टिलिनियर मोशन, और क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे देखो यहाँ ये तीनों में डिफरेंस क्या है, मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होगा कि एक पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है, इसको हमने पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल तो इसको इसके एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन, क्या बोलेंगे, 1D, और क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, जब यही क्या होगा पार्टिकल, ठीक है, रेक्टिलिनियर, जब कोई क्या होगा ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक मान लो, तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल में ही मूव कर रहा है ना, ठीक है। क्या होगा, वन डायमेंशनल में ही मूव कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, तो यहां भी क्या होगा, इसका जो मोशन, ये मान लो कि वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है ना, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, आई मीन सिंपल याद रखना है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, और मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और 1D, ये सब क्या है, 1D मोशन है, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, है ना, और क्या लिखेंगे, 1D, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। उसी तरह देखोगे कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
यहां देखो ये ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, ये वर्टिकली हमने क्या किया अपवर्ड फेंक दिया इसको ऐसे, तो फिर क्या होगा ऐसे जाएगा और फिर क्या होगा ये डाउन, ध्यान देना ये क्या होता है ये गिरता है ऐसे ही, ये क्या होगा डाउन। तो मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, देन मोशन इज कॉल्ड वन डी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि वन डी मोशन क्या होगा, कि इसमें क्या होगा वन डायमेंशनल है ना, तो इसमें यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन, इसी में मैं सभी टाइप के मोशन बता देता हूं आपको है ना। कि टू डायमेंशनल मोशन है ना, तो सेकंड जो है क्या आया टू डायमेंशनल मोशन, इसको प्लेनार मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स या छोड़ दो इसको, प्लेनार मोशन अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, टू डायमेंशनल मोशन, और इसको हम क्या बोलेंगे टू डी। ठीक है, तो टू डायमेंशनल में क्या होगा कि जैसे देखो कि मोशन ऑफ क्या होगा, मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन है ना, कोई भी पार्टिकल है देखो यहां, इसको एक थ्रेड से हमने फिक्स किया और फिक्स कर दिया और ये क्या है ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे टू डायमेंशन, आई मीन सर्कुलर मोशन। सिंपल याद रखना, तुम लोग पढ़े हो कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड क्या होगा न्यूक्लियस, वो भी क्या है सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन। तो यहां क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये भी आगे आपको पढ़ना है, ये सर्कुलर पाथ हुआ। तो मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कल इज कॉल्ड क्या होगा टू डी मोशन, ये क्या हुआ टू डायमेंशनल मोशन हुआ। ठीक है, उसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे है ना, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन, ये क्या होगा वाई प्लेन हुआ और एक्स, यहां से जब किसी ऑब्जेक्ट को कुछ थीटा एंगल पे फेंकते हो तो ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ ऐसे होता है, तो ये भी क्या होगा मोशन। सिंपल लिख देता हूं मोशन है ना, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज क्या होगा टू डी। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो हुआ क्या हुआ, सिंपल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड क्या होगा सन है ना, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जितने भी सर्कुलर मोशन है सब क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन होते हैं, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक्स वाई प्लेन में फेंकते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सिंपल क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजिशन को फिगर आउट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट की क्या होगी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको हम देखेंगे 3D जनरली कम मिलेगा आपने को, तो आपको ये मालूम चला कि जब पार्टिकल एक पार्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा तो हम उसको क्या बोल, उसके मोशन को स्टडी करने के लिए वन कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ है ना, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन टू डायमेंशनल टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, ये आगे पढ़ेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, तो यहां नोट में एक पॉइंट लिख लेना कि व्हेन इन टू डी मोशन क्या होगा, इन टू डी मोशन देयर आर
टू कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। क्योंकि याद रखना, अभी अपने को इस चैप्टर में केवल पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद जो अगला है वो क्या है, थ्री डायमेंशनल, आई मीन थ्री डी देखो ये क्या होगा, जैसे इस तरह कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, यहाँ ऐसे आगे पढ़ोगे तुम, है ना? ठीक है, तो जब क्या होगा, आई मीन मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, है ना? तो उस सिचुएशन में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ने के लिए क्या जरूरत होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए तीन डायमेंशनल की जरूरत होती है, आई मीन तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो सिंपल हम लिख देंगे कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन क्या होगा, स्पेस इज कॉल्ड 3D। ठीक है, इसमें क्या है, ये ध्यान देना है कि ठीक है, तो इसमें टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? तो यहां एक पॉइंट लिखना है, टू क्या होगा, टू स्टडी द मोशन ऑफ पार्टिकल वी रिक्वायर्ड थ्री क्वाड्रेंट्स। ये समझ में आया? बस ये और भी टाइप्स हैं, देखो सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है ना, कई टाइप्स के मोशन होते हैं, है ना? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सब हम आगे पढ़ेंगे, वन बाई वन पढ़ेंगे। इसमें आपको बस इतना ही माइंड में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना है, है ना? टाइप ऑफ मोशन ऐसे आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, तो उतना आप डिटेल में, क्योंकि पूछा नहीं जाता है और आगे अपने को पढ़ना ही है, बस ये आपको ध्यान रखना है छोटे छोटे चीजें, तो आपको बाद में समझने में, न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, मोशन, है ना? तो अब क्या है कि मोशन को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। यहाँ क्या है कि इसमें क्या है, एक किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था कि कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए पार्टिकल के पोजीशन को या पार्टिकल के मोशन को स्टडी करने के लिए। तो जब रेक्टिलिनियर मोशन था तो पार्टिकल के पोजीशन को, है ना, सॉरी पार्टिकल के क्या है, पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत थी। जब टू डायमेंशनल मोशन में दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, और थ्री डायमेंशनल मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब हम पढ़ेंगे कि मोशन को, कि कभी क्या होता है, अब आपसे मैं बोलूं कि नहीं, ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, मीन एक्सेलरेट हो रहा है ना? दूसरा बोलूं कि 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तीसरे में मैं बोल दूं कि नहीं रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, मोशन होता क्यों है, ये आपसे पूछा जाए कि मोशन होता क्यों है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। तो मोशन को डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ मोशन, है ना, कि क्या है, मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पार्ट में हम सिंपल मोशन के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे पार्ट में क्या है, कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तो उसके बेसिस पे मोशन को क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोशन को क्या, एक को हम बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक्स और इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन वी स्टडी, है ना, वी स्टडी ओनली अबाउट मोशन। इसमें केवल हम क्या पढ़ते हैं, मोशन एंड मोशन के कॉज के बारे में पढ़ते हैं, है ना? वी स्टडी अबाउट
मोशन एंड इट्स कॉज, मोशन एंड इट्स कॉज, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। समझ में आया ना? तो काइनेमेटिक्स में क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ सिंपल क्या है, मैकेनिक्स, इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। इसमें मोशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि मोशन होता क्यों है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आई मीन मोशन एंड इट्स कॉज, तो हम क्या पढ़ते हैं, वी विल स्टडी अबाउट मोशन एंड इट्स कॉज, कि मोशन होता क्यों है उसके बारे में। आई मीन बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल याद रखना है, किसके बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में, और यहां हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, सिंपल है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी कितने, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।